टू द न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हालांकि मैं थोड़ा सा जो हूँ मस्त नहीं हूँ, स्वस्थ तो हूँ क्योंकि हस्बैंड के हाथ में लग गई थी पिछले व्लॉग में, आप सब ने देख लिया। और आप लोगों ने जो है मुझे बहुत बोला कि हॉस्पिटल लेके जाओ, तो कल तक तो ठीक था, शाम तक भी ठीक था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो पेन हो रहा था तो पेन किलर दे रही थी तो ठीक हो रहा था, लेकिन आज सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम लोग उठे तो अन्नू के हाथ में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग थी। फिर मैं उसको देख के समझ गई कि हड्डी में कोई ना कोई पंगा हुआ है। फिर हम हॉस्पिटल गए, जहाँ पे उनको रॉड डली थी उसी वाले हॉस्पिटल में लेके गई थी मैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बोला, अब आप लोग आगे देखिए, क्योंकि मैं हॉस्पिटल से आ चुकी हूँ और नहाई हूँ। इसके बाद मिलती हूँ मैं आपको आगे, पहले आप हॉस्पिटल की क्लिप देख लीजिए। तो दोस्तों ये है सुबह का क्लिप जो मैं अन्नू को हॉस्पिटल लेके गई थी वहाँ का, और ये मैंने साइड में लगा दी है एक्सरे की रिपोर्ट। अगर आप में से किसी को जानकारी होगी तो वो आप एक्सरे को देख के समझ जाएंगे। वैसे अन्नू को हाथ में स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा थी तो ठीक से जो है अन्नू का रिपोर्ट है वो ठीक से आई नहीं है, ये चीज़ भी हमें डॉक्टर ने बताई थी। और उन्होंने बताया है जो कंगनी उंगनी होती है, यानी कि जो सबसे छोटी उंगली होती है उसके नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें थोड़ा सा क्रैक हो गया, मतलब हड्डी थोड़ी सी टूट गई है। अभी जो है ये कच्चा प्लास्टर कर रहे हैं 6 से 8 दिन का, और इसके बाद में जो है स्वेलिंग उतर जाएगी, फिर से अन्नू का एक्सरा होगा और उसके बाद जो है फिर 1 महीने का प्लास्टर चढ़ेगा। ये सब बातें मुझे डॉक्टर ने बताई है, इसलिए ये सब बातें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों ने मेरे अन्नू मतलब मेरे हस्बैंड को लेके पिछले व्लॉग में बहुत ज़्यादा चिंता दिखाई थी, आपने मेरी परेशानी को अपनी परेशानी समझा था, तो उसके लिए थैंक यू, दिल से धन्यवाद। हम लोग एक दूसरे से कभी मिले नहीं हैं लेकिन फिर भी आपने मेरी परेशानी को समझा, उसके लिए थैंक यू। और यहाँ पे अन्नू को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और उनको देख के बस मैं एक ही बात कहती कि हे भगवान, इस टाइम इतनी परीक्षा लेनी किसी की ठीक नहीं है, प्लीज़ इनको ठीक कर दो। क्योंकि सच में बिल्कुल भी बहुत अन्नू को ना पेन हो रहा था, जब वो हाथ को मोड़ रहे थे ना प्लास्टर करके तो उनको बहुत पेन हो रहा था। वो तो मैंने शूट ही नहीं करा है, और जहाँ पे मुझे शूट करने का मौका मिला मैंने वहाँ की क्लिप जो है आप लोगों के साथ हॉस्पिटल में शूट करके दिखा दी है। तो घर आते टाइम मैं बच्चों के लिए कचौड़ी और बेड़म पूरी लेती भी आई थी, और जब मैं घर पर आई थी तो हन्नी ने जो है घर का सारा काम कर रखा था। और मैंने आज बच्चों की जो है छुट्टी करवा ली थी क्योंकि टाइम की थोड़ी सी मेरे पे कमी थी, और बच्चों की भी छुट्टी नहीं करवाती तो बच्चों को फिर मैं हॉस्पिटल में होती तो पीछे से बन्नी को स्कूल से कौन लेकर आता, हन्नी तो वैसे बन्नी के बाद में आता है तो फिर मैनेज नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने बच्चों की आज जो है स्कूल से छुट्टी करवा दी है। और अब मैं मिल रही हूँ आपको शाम को 7:30 बजे के तकरीबन, और मैं लेकर आई हूँ ये सब्जियाँ। तो इन सब्जियों को जो है मैं हाथों हाथ सारी सब्जियों को धो लूँगी। आज मैं बनाने वाली हूँ वैसे पालक पनीर, तो टमाटर वगैरह भी जो जो ख़त्म हो रहा था मैं इन सबको भी ले आई हूँ। और ये सब्जी वाले भैया ना सब्जी की थैली में इस तरीके से गांठ लगा देते हैं जिसे खोलना हमारे बस की तो होता ही नहीं है, तो फिर मैं इस तरीके से थैली को बीच में से चीर फाड़ देती हूँ और उसके बाद में उनको फेंक देती हूँ। और ये जो पालक का पीछे का हिस्सा हम लोग काटते हैं, इसको मैं कभी भी जो है डस्टबिन में नहीं फेंकती हूँ, इसको मैं हमेशा गाय वगैरह को खिला देती हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने पालक को उबलने के लिए छोड़ दिया है, और अब किचन काउंटर साफ़ करके मैं अन्नू के पास आ गई हूँ। अन्नू से भी बातें करती रहूँगी, और अन्नू भी ऑफिस से आए भी थोड़ा टाइम हो गया है, और इनसे बातें करते करते जो है मेरे कपड़े भी तय हो जाएंगे। और अभी जो है मैं अन्नू को अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही हूँ, क्योंकि जब कोई भी इंसान हो अगर वो बीमार हो ना तो उसका मन नहीं लगता है, ऊपर से हम लोग भी उनको अकेला छोड़ देंगे तो उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पे वापस से मैं किचन में आ गई हूँ, और यहाँ पे मैं टमाटर हरी मिर्च अदरक वगैरह को जो है कट करके अच्छे से मिक्सी ग्राइंडर में पीस लूँगी। हालांकि आज मैं जो कोई भी रेसिपी बना रही हूँ पालक पनीर की वो शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि ये वाली जो रेसिपी है पिछले काफ़ी व्लॉगों में आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, तो बार बार ही रिपीट करने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन हाँ, शूट कर लिया है मैंने ताकि आप लोगों से काम का काम भी होता रहे और मेरी बातें भी आपके दिलों तक पहुँचती रहे। तो बस जो है थोड़ा सा नया तड़का मारा है मैंने, सबसे पहले लाल मिर्ची वगैरह डाल दी, उसके बाद प्याज डाली है, और उसके बाद वही जो पेस्ट वगैरह बनाए हैं वो ही डालूंगी, और घर के बेसिक मसाले डाल के सिंपल सब्जी बनाने वाली हूँ। हाँ, आज मैंने और दिनों से ज़्यादा कम नमक मिर्च मसाले डाले हैं क्योंकि अन्नू की थोड़ी सी दवाइयाँ चल रही हैं, और दवाइयाँ आप सबको पता है गर्म होती है, इसी वजह से जो है मैंने लहसुन ऐड नहीं कराया क्योंकि लहसुन भी काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, तो फिर वैसे भी गर्मियों वाले दिन चल रहे हैं तो गर्मी ज़्यादा बैठ ना जाए अन्नू के शरीर में, इसलिए मैंने जो है गर्म चीज़ों को अवॉइड करा है, मसाले भी कम रखे हैं, बस बना दी है मैंने सिंपल सादी सी सब्जी।
और आज सुबह से जो है कभी मेरे ससुराल से फ़ोन आ रहे हैं तो कभी मेरे मायके से फ़ोन आ रहे हैं अन्नू को पूछने के लिए। हालांकि मेरी पंजाब वाली सिस्टर का भी फ़ोन आ चुका है, अभी आप आगे देखेंगे तो मैं उनसे ही बात करती हुई नज़र आऊँगी। और ये देखिए दिमाग बिल्कुल भी काम ही नहीं कर रहा था, पनीर मैंने एज इट इज़ ऐसे ही डाल दिया, कुछ काट के डाल दिया और कुछ साबुती डाल दिया, मतलब दिमाग ऐसा ही चल रहा है। और रात को जब मैंने ड्रम को देखा तो वो भी आटे का खाली था, फिर फटाफट से हन्नी को भेजा। वो तो शुक्र है कि दुकान खुली हुई थी, वैसे यहाँ पे 8, 8:30, 9 बजे तक दुकानें बंद हो जाती हैं, पर खुली हुई थी तो वो भी फिर मैंने पूरा 5 किलो का पैकेट मंगवा लिया है। और अब मैं बनाने लग गई हूँ रोटियाँ। तो सुबह सब सबको एक ही बात बता बता के थोड़ा सा मन भी वो हो गया है कि हाँ भाई अन्नू का वो हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, ये बात है वो बात है, पर कोई क्योंकि मुझे देखिए अपने घर को जो मम्मी है ससुराल में मेरी सासू माँ वो अकेली रहती हैं, तो उनको भी कोई परेशानी ना हो तो उनको भी उनके तरीके से मुझे अच्छे से समझाना पड़ता है कि भाई परेशान मत हो, कोई नहीं, छोटी मोटी चोट आई है, सब सही हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ देख के चलना पड़ता है, आप खुद समझदार हैं। तो यहाँ पे मैंने हन्नी बन्नी की प्लेट लगा दी है और इन दोनों को लगा दिया खाना। पता नहीं बन्नी ने आज कपड़े क्यों नहीं पहन के, इसको ना सच में ये इतना एसी में रहता है लेकिन फिर भी इसको पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा घमोरी मोटी मोटी निकली हुई है ना कि क्या ही बताऊँ। अब मैंने भी खाना खा लिया है तो आप देख सकते हैं मैं जो फ़ोन पर बात कर रही हूँ ये मेरी पंजाब वाली सिस्टर सबसे छोटी वाली जो है उनका फ़ोन आया हुआ है, तो वही अपने जीजू के बारे में पूछ रही है। मैं उनको हिसाब किताब बता रही हूँ अपने घर का कि ऐसा हो गया वैसा हो गया ये हो गया था वो हो गया था, तो वो भी ये बोल रही थी ध्यान रख के पता नहीं कौन सी ग्रह मंडरा रहा है जीजू के ऊपर। और पिछले वाले व्लॉग में जो है मुझे बहुत ही प्यारा कमेंट आया था कि हो सकता है निशा आपको ये घर सूट ना कर रहा हो तो आप ये घर खाली कर दो, कई बार ऐसा होता है। और मैंने भी ये बात बहुत मतलब देखी है जब से मैं इस घर में आई हूँ कि ये घर मुझे सूट नहीं कर रहा है। एक तो 4th फ्लोर पर ले लिया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने उस टाइम पर कुछ सोचा समझा नहीं, 4th फ्लोर पर ले लिया है। और जब से हम इस घर में आए हैं, खैर किसी के घर को बुरा भला कुछ नहीं कहना चाहिए, अपने नसीब का ही होता है, लेकिन फिर भी मैंने सुना है कई जगह ऐसी होती हैं जो हमें सूट नहीं करती हैं, तो बस वही बात याद आ गई तो आप लोगों के साथ में मैंने शेयर कर दी है। हम लोग नया देखेंगे मकान, लेकिन अभी तो नहीं क्योंकि अभी कुछ बजट वजट ठीक नहीं है। और दूसरा क्या है, सर्दी आने वाली है तो 4th फ्लोर जो है सर्दियों के लिए सबसे बेस्ट होता है। अब जो भी करेंगे सर्दियों के बाद ही देखेंगे। तो यहाँ पर अपनी बहन से भी बातें करती जा रही हूँ और आप लोगों के साथ जिनका कमेंट आया था उनकी बात भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है। आप लोग मुझे बताइएगा क्या वाकई में ऐसा होता है, मुझे ऐसा करना चाहिए, आप लोग मुझे प्लीज़ सजेशन दीजिएगा। तो बस यहाँ पे जो है मैंने सारी गैस वगैरह क्लीन कर दी है क्योंकि यही मेरा रात का काम रह जाता है और मैं इसी तरह डेली अपने गैस वैस को क्लीन करके बर्तन वर्तन माँज के सोती हूँ। हाँ अगर कोई परेशानी होती है तो मैं ये वाला काम छोड़ देती हूँ। फाइनली जो है मेरी किचन क्लीन हो गई है, अभी मैंने रखा है दूध को बॉयल होने के लिए क्योंकि रात के टाइम अन्नू को और रात ही हो चुके मतलब अभी अन्नू को जो है दवाई दूंगी तो मैं दूध के साथ में दे दूंगी और हन्नी को भी जो है हल्दी वाला दूध देना है। तो यही था मेरा आज का प्यारा सा व्लॉग, अगर ये व्लॉग आपको जरा भी पसंद आएगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलती हूँ एक अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, जय माता दी, शुभ बाय।